नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों जगह आपको नई रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और अन्य भर्तियों की जानकारी और राजस्थान शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं और राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज 2 सितंबर 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज का इतिहास, 2 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बड़ी घोषणा, स्कूली पाठ्यक्रम में होगा बदलाव। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, स्कूली बच्चे पाउडर का दूध नहीं पीना चाहते, बाल गोपाल दूध योजना बंद होगी, अब मोटा अनाज देंगे। बता दें कि बाल गोपाल दूध योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब 70 लाख बच्चों को रोजाना पाउडर का दूध दिया जाता है। वर्ष 2022 में बाल गोपाल दूध योजना को गहलोत सरकार ने शुरू किया था। स्कूलों के सिलेबस में होगा बदलाव, अकबर को नहीं बताया जाएगा महान, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। उपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, 1-2 दिन के अंदर होगी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बड़ी मीटिंग, नई रीट सहित कई भर्तियों की होगी घोषणा। उपेंद्र यादव, राजस्थान 13,000 से अधिक फर्जी खेल प्रमाण पत्र फर्जी खेल संगठनों के जरिए कागजों में तैयार हुई खिलाड़ियों की फौज, 500 खिलाड़ियों को फर्जी प्रमाण पत्र बांटे पिछले साल दिल्ली में हुए टूर्नामेंट में, 1 साल पहले लग जाते। शिक्षक भर्ती 2022 में रीट में 250 पत्ते, इसमें से 1,000 से अधिक ने आवेदन किया, आवेदन अधिक होने से विभाग 1 साल तक जांच में उलझ गया। राजस्थान पत्रिका न्यूज सीकर। भामाशाह सम्मान कार्यक्रम में बोले शिक्षा मंत्री, अकबर को महान बताया तो किताबें जला देंगे, दिलावर, राजस्थान पत्रिका न्यूज। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करना और अकबर को महान बताना मूर्खता है। यह मेवाड़, राजस्थान और आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है। शिक्षा मंत्री ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर कहा कि हमने सभी कक्षाओं की किताबें देख ली है, अभी तक की किताबों में ऐसा नहीं, यदि ऐसा होगा तो सब किताबें जला देंगे। पेपर लीक मामला, 5 प्रशिक्षु थानेदार गिरफ्तार, आरपीएससी की पूर्व सदस्य रायका को किया गिरफ्तार, परीक्षा रद्द करने को लेकर सरकार अब भी मौन। आवंटित जिले की जानकारी अपलोड, आरपीएससी अजमेर। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला, 20 और ट्रेनी एसआई रडार पर, 60 दिन बाद पूरी हो जाएगी ट्रेनिंग, भास्कर न्यूज। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होने के कगार पर पहुंच गई है, सरकार के ऊपर है अब सब। चयन बोर्ड से पूछ रहे अभ्यर्थी, कहां अटका एनटीटी भर्ती का परिणाम। फिलहाल 2011 में स्वीकृत पदों की हो सकती है भर्ती, कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी में शिक्षा बोर्ड को शामिल किया, 84 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, अब सीईटी के माध्यम से शिक्षा विभाग की भी भर्ती होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, पहली बार बोर्ड शामिल, 257 पदों का प्रस्ताव भेजा, भर्ती विज्ञापन बाद में निकलेगा, ऑनलाइन आवेदन आज से, चयन बोर्ड सीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू कर रहा है, 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 12 बजे तक। बोर्ड ने 23 से 26 अक्टूबर तक सीईटी प्रस्तावित किए, भर्ती विज्ञापन में समय लग सकता है। आरपीएससी, सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा के प्रवेश पत्र 5 को जारी होंगे। राजस्थान के कुछ नए जिले होंगे रद्द, आज तस्वीर साफ हो जाएगी, इन जिलों पर हो सकता है फैसला। कौन कौन से जिले रद्द हो सकते हैं, धूधू, खैरतल, तिजारा, केकड़ी, सलुम्बर, सांचौर और शाहपुरा का नाम शामिल है।
इसके अलावा डीग, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना, अनूपगढ़ और फलौदी को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। यानी सभी, इसमें से सभी नहीं होंगे, कुछ जिले रद्द होने की संभावना लग रही है, जिसमें एक दो दो शामिल आप मान सकते हो। पिछले साल बनाए गए थे ये नए जिले, तो टोटल 50 जिले हैं। संख्या घटकर पहुंच सकती है 45 से नीचे, 40 से 45 के बीच रह सकती है फाइनल जिलों की संख्या। ऐसा ही भर्ती पेपर लीक, आरपीएससी के पूर्व सदस्य राय का गिरफ्तार, सदस्य रहते हुए बेटी और बेटों को परीक्षा से पहले दिया था पेपर। शिक्षा विभाग का अजबी आदेश, शिक्षक अब बच्चों के बालों में जूं अथवा लिखेंगे देखेंगे पेट में कीड़े भी जांचेंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों से 50 प्लस सवाल पूछेंगे, हैरानी, ये बालिकाओं से महामारी की भी जानकारी लेंगे। जिन स्कूलों में महिला शिक्षक नहीं, उन स्कूलों में शिक्षकों के लिए कुछ परीक्षण समस्या बनी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा आवेदन, अब तक 20 लाख ने फॉर्म भरे, करीब 20 लाख के पार जा सकती है संख्या। 9वीं से 12वीं तक एडमिशन की तारीख बढ़ने की भी लाभ मिला। आरपीएससी कनिष्ठ लेखाकार हो चुका है गिरफ्तार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन। प्रदेश में 15,000 और सचिवालय में 237 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बचे, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती की राह खुली। संघ लोक सेवा आयोग एनडीए एनए सीडीएस के पदों के लिए आजमाया भाग्य। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित नहीं, अभ्यर्थी ट्विटर पर चलाएंगे आंदोलन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षक डीपीसी व 37,000 अधिशेष शिक्षकों के जल्द समायोजन की मांग। राजस्थान में पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू हो। रिव्यू डीपीसी पर रोक से करीब 1,000 कर्मियों की डीपीसी पर असर संभव है। राजस्थान में बाढ़ का अलर्ट, भारी बारिश से 8 की मौत, तेलंगाना में रेल पटरी बही। एक बार फिर से राजस्थान में आज से मॉनसून सक्रिय हो जाएगा, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी।